देश की जनता के दिलों पर राज करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और इस मौके पर देश भर से बधाइयों का दौर शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर तो पीएम मोदी पहले से ही ट्रेंड कर रहे हैं और इस बार पीएम मोदी के जन्मदिन पर खास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आपको बता दें कि इस मेगा इवेंट से जुड़े कुछ पल है जिनका हम अपडेट आपको देते रहेंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आज क्या है खास, देखिए इस रिपोर्ट में। आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री का ये बयान इतनी बार देखा और सुना गया कि मोदी के चाहने वाले उन्हें गंगा पुत्र कहने लगे। आठ साल हो गए पीएम मोदी वाराणसी के सांसद हैं। इस दौरान काशी में वो बदलाव हुए जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के आज के कार्यक्रम और इसे लेकर हो रही तैयारी पर पूरी जानकारी देंगे, लेकिन पहले आप इन तस्वीरों को याद कीजिए। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जब पहली बार संसद पहुंचे तो संसद की सीढ़ियों पर अपना शीश नवा दिया। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते ऐसी शुरुआत की जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान ऐसा चला कि बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया और इस अभियान को सफल बनाने के लिए खुद झाड़ू तक उठा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुनो पार्क में पहुंचकर चीता प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। ये चीते नामीबिया से भारत लाए गए हैं। इसे लेकर पीएम मोदी ने ट्विटर पर जानकारी साझा की। देश में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयासों को एक नई ताकत मिलेगी। नामीबिया से लाए जा रहे चीतों को करीब 10:45 पर मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ने का सुअवसर मिलेगा। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे श्योपुर में आयोजित SHG सम्मेलन में भाग लेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुनो पार्क में होंगे जहां पर उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज यहां पर प्रधानमंत्री 2 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात करेंगे। इन्हें प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी कराहल में आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हम आपको श्योपुर में प्रधानमंत्री का हर पल का कार्यक्रम बताते हैं। सुबह 9:40 पर विशेष विमान से प्रधानमंत्री का ग्वालियर आगमन होगा। सुबह 9:45 पर हेलीकॉप्टर से पीएम मोदी कुनो नेशनल पार्क के लिए रवाना होंगे। सुबह 10:45 से 11:15 के बीच चीतों को बाढ़ में छोड़ा जाएगा। 11:30 पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से कराहल रवाना होंगे। 11:50 पर पीएम मोदी कराहल पहुंचेंगे। 12 बजे से 1 बजे तक वो महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में शामिल होंगे। 1:15 करहाल से हेलीकॉप्टर से ग्वालियर रवाना होंगे। 2:15 पर ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 2:20 पर ग्वालियर से रवाना होंगे। 72वें जन्मदिन पर पीएम मोदी को देश विदेश से बधाई मिल रही है। देश अपने पीएम की स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना कर रहा है। जिनकी वजह से आज हमारा देश आंख झुकाकर नहीं, आंख उठाकर नहीं, बल्कि आंख मिलाकर दुनिया से बात करने में विश्वास रखता है। जिनकी वजह से आज हमारे देश के सपने संकल्प और हकीकत में बदल गए हैं। जिनकी वजह से आज हमारा देश बुलंदियां छू रहा है। हमारे उन्हीं डायनामिक प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी परमात्मा के भेजे हुए एक उसी रूप के जिद्दी और जुनूनी हैं। जो जो बाल्यावस्था से उन्होंने कटुताएं विषमताएं देखी थीं, अब वो पूरे भारत को उनका स्वरूप, उनका मूर्त रूप, उनका उपहार स्वरूप बांट रहे हैं, बता रहे हैं, दे रहे हैं। ऐसे अवधूत, ऐसे मनुष्यों का अवतरण परमात्मा के यहाँ से तब होता है जब बहुत सारे संत अनुष्ठान करते हैं, बहुत यज्ञ होते हैं।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के दोनों प्रमुख आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी को एनआईए की टीम अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से लेकर देर रात उदयपुर पहुंची। और ऐसे में आपको बता दें कि एनआईए की टीम ने दोनों आरोपियों को पूरी रात शहर के भोपालपुरा खाने में कड़ी सुरक्षा पहरे के बीच में रखा। और वहीं अल सुबह करीब 5:15 बजे एनआईए की टीम दोनों आरोपियों को लेकर निकली है। और ऐसे में आपको बता दें कि एनआईए की टीम सबसे पहले मालदास स्ट्रीट स्थित कन्हैयालाल की दुकान पर पहुंची, जहां टीम ने आरोपियों से घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। टीम ने उस स्थान को भी देखा जहां पर आरोपियों ने हत्याकांड को अंजाम देने के पहले अपनी गाड़ी को पार्क किया था और भागने के रास्ते के बारे में भी जानकारी जुटाई गई। आपको बता दें कि एनआईए की टीम की इस कार्रवाई का जो मालदास स्ट्रीट से जायजा है वो हमारे संवाददाता अविनाश जगनावत ने लिया। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर एनआईए की टीम कल देर रात उदयपुर पहुंची थी और जो हत्याकांड के मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को लेकर भोपालपुरा थाने में आई थी और भोपालपुरा थाने में पूरी रात रही। और अब यहाँ पर मालदा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कि हत्याकांड को अंजाम दिया गया था वहाँ पे दोनों ही आरोपियों को लेकर एनआईए की टीम पहुँची है। पुलिस के सशस्त्र जवान हैं और उनके साथ में मौका तस्दीक करने के बाद जो गाड़ी जो है वो अब आप देख सकते हैं कि वापस जो है मौका तस्दीक के बाद में यहाँ से जा रही हैं। इसी बोलेरो गाड़ी के अंदर मोहम्मद आज और दोनों को ही यहाँ पे बिठा रखा है और पुलिस के कड़े सुरक्षा बंदोबस्त में ये इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और ये वही जगह है जहाँ पर कि कन्हैयालाल की हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। एनआईए की टीम पहुंची है और अब पूरा यहाँ पे मौका तस्दीक करने के बाद टीम जो है वो फिर से यहाँ से रवाना हो चुकी है। और जो बताया जा रहा है कि संभवतया उन तमाम ठिकानों पे टीम जाएगी जहाँ पे कि आरोपी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ठहरे थे। और एक बहुत अहम जो कार्रवाई बाकी रही थी उसको यहाँ पर आज पूरा किया गया है। कैमरामैन अमानत के साथ अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर।